माँ सरस्वती को नमन करते हुए मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेमलता सिंह इस एनवी डिजिटल क्लास के माध्यम से आपको मनोविज्ञान के बारे में कुछ चीजें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। मैंने मनोविज्ञान को पढ़ाने का निर्णय यहाँ लिया है। आप लोगों के प्यार ने मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा है कि आप हमें मनोविज्ञान पढ़ाइए, तो मनोविज्ञान को पढ़ाने के लिए मैंने सबसे पहले तो बच्चों मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि मनोविज्ञान है वो एक रटने का विषय नहीं है, एक समझने का और सोचने का विषय है, डीपली अध्ययन करने का विषय है। रटने से कभी मनोविज्ञान की को हम नहीं कर सकते। मनोविज्ञान है ये हमारे फर्स्ट लेवल फर्स्ट ग्रेड यानी कि सेकंड ग्रेड और रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड सभी के लिए इतना कंपलसरी है, अनिवार्य है। यानी कि जिस प्रकार से पुराने समय में पुरानी शताब्दियों में फिलॉसफी को जितना वेटेज दिया जाता था, आज के समय में उससे कहीं ज्यादा साइकोलॉजी को यानी कि मनोविज्ञान को दर्जा दिया गया है। तो हम मनोविज्ञान को पढ़ेंगे यहाँ पर, मनोविज्ञान को पढ़ेंगे ही नहीं, हम उसको सोचेंगे समझेंगे और सोचते समझते हुए हम उसका अध्ययन करेंगे। हमें मनोविज्ञान को रटना नहीं है, पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो पर आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी चीजें, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या था, मनोविज्ञान कब क्या था और मनोविज्ञान आज क्या है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। तो स्टूडेंट्स मनोविज्ञान, मनोविज्ञान पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा विचार करते हैं कि जब हमें किसी अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज वालों से जब हम कभी मिलते हैं तो हम पहली पुरानी बातों का वापस से रिपीटेशन करते हैं। यानी कि हम पहले कभी मिले थे उससे उन बातों को बैठ करके करते हैं कि हम जब ये थे, हमने जब ये किया, इस तरीके की बातें, ये सब बातें मनोविज्ञान को रिलेट करती हैं। ये सब साइकोलॉजिकली ही चीजें हैं, ये मनोविज्ञान है। ये सबसे पहले किसका विज्ञान माना गया और सबसे लास्ट में आज 20वीं सदी में इसे किसका विज्ञान माना गया है, ये भी मैं आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए क्लियर करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कौन सी शताब्दी में कौन सी अवस्था, जो आत्मा का विज्ञान था तो इसको किस किस ने माना, यानी कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इन्हें माना, और आज व्यवहार का विज्ञान है तो कौन कौन से मनोविज्ञानों ने इसे माना है। तो ये सारी चीजें यदि हम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो वाकई में हमारे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ क्लियर होते हैं, वो आपके किसी भी लेवल में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाली चीजें यहाँ साबित होने वाली है। तो स्टूडेंट्स मनोविज्ञान का अर्थ हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैनिक क्रियाओं का अध्ययन कराता है। मनोविज्ञान है वो क्या कराता है, हमें प्राणियों के व्यवहार और मानसिक तथा दैनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें कराता है। और मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो माना गया है वो मन से माना गया है। तो स्टूडेंट्स हमारा मन ही है, मन का जो विज्ञान है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की वो शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। यानी कि अपने मन का अध्ययन और दूसरे के मन का अध्ययन, पहले अभी भी आज के जब हम पढ़ते हैं तो एक फिलॉसफी शब्द, फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है जो भी कुछ इसी तरीके की क्रियाएं करता है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात मैं ये भी बताई देती हूँ कि पहले जो फिलॉसफी थी उसी में एक
इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना था। वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे माना था, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। वो थे आपके प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु ये थे, और आदि आदि और भी होंगे, लेकिन इन अभी हम छोटे रूप में यहाँ पढ़ रहे हैं, आगे हम सारा अध्ययन करने वाले हैं। तो आत्मा का विज्ञान 12वीं से 16वीं जब शताब्दी थी, तो यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु मनोवैज्ञानिक ने इनको आत्मा का विज्ञान कहा था। सेकेंड आता है मस्तिष्क का विज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। मन का विज्ञान इन्होंने इस दर्शन द्वारा मन की चीजों को प्रस्तुत करना, और मन के विज्ञान को किसने माना? मन के विज्ञान को मानने वाले सिर्फ एक ही थे, जो कहां के थे? इटली के थे। ये थे पांको माजी, इटली के पांको माजी। ये कहां के थे? ये इटली के थे। इन्होंने इसे मन का और मस्तिष्क का विज्ञान, यानी मस्तिष्क का विज्ञान की संज्ञा इन्होंने दी थी। तीसरा था चेतना के विज्ञान के रूप में, मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान होता है अपनी चेतन और अचेतन अवस्था में परिपूर्ण, यानी कि जो मनुष्य की चेतन और पूर्ण चेतन क्रियाएं हैं, वो सारी चीजें इस चेतन अवस्था के अंदर शामिल होती है। इसको इसके जो मनोवैज्ञानिक थे वो किन्हें माना गया है? इनमें माना गया है विलियम्स और वाइस को। विलियम्स और वाइस ये तो किसके थे? ये चेतना के थे। चेतना का विज्ञान इन्होंने इसे चेतना का विज्ञान माना। अब आता है हमारा व्यवहार के विज्ञान के रूप में। 20वीं सदी में व्यवहार के विज्ञान के रूप में किसने माना? देखिए, वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, जीवी जीवी वॉटसन। नेक्स्ट आ गया अपना स्किनर और वुडवर्थ। इन सभी ने इस मनोविज्ञान को इन इन चीजों की संज्ञा दी, यानी कि पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मस्तिष्क का विज्ञान था, फिर चेतना का विज्ञान था, और आज ये व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं सदी के अंदर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो शाखाएं चली है नीचे से, या जब हम ऐतिहासिक चीजों में जाते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। कैसे? कि सर्वप्रथम क्या था ये? यहां सर्वप्रथम क्या था ये? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान इसके ऊपर चला तो ये क्या था? मस्तिष्क का विज्ञान। इससे ऊपर चले तो हम ये क्या था? चेतना का विज्ञान। और आज जब 20वीं सदी में हम यहां 20वीं सदी के प्रारंभ से जब हम मान रहे हैं, तो ये क्या है? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। तो इसी तरीके से आज का जो मनोविज्ञान है, इसकी चर्चा हम इस छोटे से वीडियो के अंदर हमने की है, लेकिन इस छोटे वीडियो में आपके कई चीजें यहाँ क्लियर होती हैं कि विज्ञान, मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान किन किन कहाँ से लिया गया है, किन किन चीजों से रिलेट है। 12वीं से 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या था, और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या है। आज की शॉर्ट वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारी डेफिनेशन, इसके बारे में आगे का अध्ययन हम करते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे नव भारती चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे इसी तरीके से आप देखते हुए, मेरे वीडियो को देखते हुए मुझे कमेंट्स करते रहिए। अगर यदि आप मेरी क्लास साइकोलॉजी की लेना चाहते हैं